नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थानी प्रसिद्ध ये गट्टे की सब्जी बनाएंगे। इन गट्टे की सब्जी हम एकदम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। तो हलवाई स्टाइल में गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी ये बेसन लेंगे। ये एक कप बेसन मैंने छान के लिए आए। बेसन में आधा चम्मच हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन हाथ से अच्छे से क्रश करके लेंगे। इन्हीं के साथ आधा चम्मच हम ये दरदरा कूटा हुआ धनिया भी लेंगे। मसालों में हम ये आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्ची और आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये दो चम्मच ये तेल डालेंगे। इस समय बेसन में हमें सरसों का तेल नहीं लेना है। हम ये तीन चम्मच दही भी डाल देंगे। बेसन में हमें किसी तरह का कोई सोडा नहीं डालना है। दही और तेल की वजह से ही गट्टे बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब हम इसका डो तैयार करने के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए हम इसमें दो चम्मच ये पानी और लेंगे। बेसन में हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है। ज़रूरत पड़ने पर आप एक चम्मच पानी और ले सकते हैं। सारा बेसन इकट्ठा हो गया है। अब हम इसमें एक चम्मच तेल और डालेंगे। गट्टे बनाने के लिए हमें बेसन का डो ना गीला रखना है, ना ही हमें टाइट रखना है। एकदम आटे की तरह ये डो बन के तैयार है। कभी अचानक घर पर गेस्ट आ जाए तो आप एक कप चना दाल को मिक्सी में पीस के उसका बेसन बना के बेसन के गट्टे की सब्जी बना सकते हैं। अब हम बेसन के रोल बना के तैयार करेंगे। इस तरह के पतले रोल बनाएंगे क्योंकि ये रोल बॉईल करेंगे तो थोड़ा फूलेंगे भी। इसी तरह सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं। इन रोल को हम भगोने में बॉईल करेंगे तो हम इस तरह बीच में कट लगा के लेंगे। इधर साइड में मैंने ये तीन कप पानी गर्म कर लिया है। पानी हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें ये बेसन के रोल डाल देंगे। अब हम कुछ देर इन्हें ढककर पकाएंगे। ये रोल उबल रहे हैं तब तक हम ये कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। आधा कप ये दही लिया है। दही में हम एक चम्मच ये हल्दी पाउडर डाल देंगे और एक ही चम्मच ये लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है और ये स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। चम्मच ये दरदरा कुटा हुआ धनिया लेंगे। दरदरे कुटे हुए धनिया से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये सारे मसाले हम अच्छे से फेंट लेंगे। तब तक गट्टे भी हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, गट्टे हमारे ऊपर तैरने लग गए हैं। गट्टे हम एक आध मिनट और बॉईल करेंगे। ये गट्टे हमने पूरे 3 से 4 मिनट तक बॉईल किए हैं। गट्टों पर इस तरह बबल आ गए हैं। बबल आने से गट्टे हमारे अच्छे से फूल गए हैं। सब्जी बनाने के लिए हमें इसी तरह के गट्टे चाहिए। ये गट्टे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये गट्टे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम कुछ एक मसाले और तैयार कर लेते हैं। ये सब्जी हम एकदम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे तो हम ये थोड़े से राजस्थानी केयर लेंगे। हमने गट्टे बॉईल किए थे वही हम एक कप गर्म पानी लेंगे। इसमें हम एक चम्मच ये केयर डाल देंगे। एक ही चम्मच हम डालेंगे मेथी दाना। सब्जी में आप यदि केयर नहीं लेंगे तो मेथी दाने से भी काम चलेगा। फिर हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा के ये आधा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो रहा है तब तक हम ये गट्टे कट कर लेंगे। इस तरह आप अपनी पसंद से छोटे बड़े गट्टे कट कर सकते हैं। इस तरह ये सारे गट्टे कट कर लिए हैं। तब तक तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब हम इसमें ये गट्टे फ्राई कर लेते हैं। आपको यदि सब्जी कम तेल में बनानी है तो आप बिना फ्राई किए हुए गट्टे की सब्जी बना सकते हैं। सब्जी में सारे मसाले अच्छे से भुनने के बाद ग्रेवी में आप बिना फ्राई किए हुए गट्टे भी डाल के सब्जी बनाएंगे तो भी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये गट्टे मैंने 1 मिनट तक फ्राई किए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। इसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डाल देंगे। ये तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा ये जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं। इन्हीं के साथ ये कुटी हुई लहसुन भी ऐड कर देते हैं। ये बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम इसमें ये कटे हुए लाल टमाटर भी ऐड करेंगे। एक लाल टमाटर मैंने बारीक काट के लिया है। आप सब्जी में टमाटर मिक्सी में चला के भी ले सकते हैं। कुछ 1 सेकेंड बाद टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम ये मसाले वाला दही भी ऐड कर देंगे। मसाले के साथ दही ऐड करेंगे तो दही हमारा फटेगा नहीं। वैसे दही ऐड करते समय गैस की फ्लेम हमें कम कर लेनी है।
और ये बचा हुआ दही भी डाल देंगे। थोड़ी देर ये सारे मसाले अच्छे से पकाएंगे। सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब हम ये गट्टे वाला 1 से 1.5 कप पानी है वो भी इसी में ऐड कर देंगे। सब्जी में केयर और मेथी हमने कुछ 1 सेकेंड ही बॉईल किया है। मेथी ज़्यादा देर पकाएंगे तो मेथी कड़वी भी हो जाएगी। सब्जी की ग्रेवी में उबाल आने के बाद ये फ्राई किए हुए गट्टे भी ऐड कर देंगे। फ्राई किए हुए गट्टे आप पुलाव में भी डाल के पुलाव बनाएंगे तो भी पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब ये गट्टे की सब्जी हम ढककर पकाएंगे। मैंने ये गट्टे की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है, आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा ले सकते हैं। और ये उबले हुए केयर और मेथी भी डाल दिए हैं। ये सब्जी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे गाढ़ी भी होगी। ये मैंने घर के बेसन की गट्टे की सब्जी बनाई है। सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है, अब हम गैस बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। सब्जी में गट्टे हमारे बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं और ना ही हमारे गट्टे बिखरे हैं। आप ये गट्टे की सब्जी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये बेसन के गट्टे की सब्जी यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।